What's up guys, my name is Parul Khanna and you're watching Parul TV. From the DMV, but I am for lowering the logic for the pouring and projects. So one day I'll be touring your projects, dropping knowledge at a comic kamikaze. I'm coming, I stay a problem. आज के इस व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं जी काली मिर्च वाला क्रीमी टेस्टी चिकन। जी हाँ, आज बनेगा जी काली मिर्च वाला क्रीमी पंजाबी टेस्टी चिकन। तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्विक है, थोड़ा सा सामान चाहिए। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं पहले आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए ये चिकन बनाने के लिए। सबसे पहली चीज चाहिए जी चिकन, उसके बाद आपको चाहिए जी ये प्लेन योगर्ट, फिर चाहिए जी आपको थोड़ा सा बटर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मैं यूज कर रहा हूँ जी ये वाली जो ग्रीन काली मिर्च होती है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं कॉस्को से लेके आया था तो बहुत ही बेहतरीन है ये वाली काली मिर्च। फिर आपको चाहिए जी ये गार्लिक एक बढ़िया सा, ये भी किसी स्टोर से मिल जाएगा आपको पैकेट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिंजर, अहम ब्रह्मास्त्र, जिंजर आ गया रख दिया एंड दैट्स इट। सबसे पहले जी चिकन लेग पीसेस को कर लो अच्छे से वॉश और उसके ऊपर ना कट्स लगा लो। कट्स लगाने के लिए कोई अच्छा सा नाइफ यूज करना और ध्यान रखना अपनी उंगली ना काट लेना, मैंने बड़ी बार काटी है। उसके बाद फिर जी एक बोल लो और उसमें डालो सारे चिकन के लेग पीसेस को, एंड आफ्टर दैट ओपन योर कर्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन आपको ग्रेवी कितनी चाहिए कर्ड डाल दो। मेरे को तो अच्छा लगता है कि ज़्यादा सारा कर्ड, तो मैं ढेर सारा ऐसे अंदाजे से डाल देता हूँ। आफ्टर दैट थोड़ी सी पेपर डालो, थोड़ा सा डालो सॉल्ट, और फिर डालो जी लेमन फ्लेवर के लिए, और फिर अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने से पहले हाथ ज़रूर वॉश कर लेना और फिर रख दो उसको साइड पर फ्रिज में। फिर बारी आ जाती है जी जिंजर और गार्लिक की, उनको करो अच्छे से पील। और एक चीज़ याद रखना यार, जो जिंजर गार्लिक है ना वो ओरिजिनल वाला यूज़ करना, पेस्ट मत यूज़ करना। फिर इसको अच्छे से ना ऐसे कर लो, ग्रेड कर लो, और बस दैट्स इट। ये तीनों चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं और उसके बाद सीधा कुकिंग के ऊपर हमने जाना है। अब गैस ऑन। यस, गैस ऑन करने के बाद जी सबसे पहले रख दो कढ़ाई, और उसमें बटर ना आप एक ब्रेड के साइज जितना काट के केक से डाल दो, और गैस को मीडियम पे रखना। ये ना हो कि बटर सारा सड़ जाए और उसके बाद फिर आप बैठ के रोने लग जाओ, क्योंकि ये कई बार मेरे साथ हुआ है। बटर जब मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर डाल दो जी हमने जो कचुंबर निकाला हुआ था गार्लिक और जिंजर का, ठीक है। और इसको अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते रहना, मेक श्योर गैस जो है वो तेज़ ना हो, क्योंकि जो गार्लिक और जिंजर है ना ये भी सारा सड़ जाता है और फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो धीरे धीरे करो और गोल्डन ब्राउन होने दो, ठीक है, जैसे वो संजीव कपूर बोलता है ना गोल्डन ब्राउन। हाँ, बस जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, समझो काम हो गया। अब ये थोड़े से पक गए हैं, अब बारी आ जाती है जी चिकन की। चिकन को लेके आओ और अच्छे से इसको डाल दो, इसको मिक्स कर दो फिर इसके अंदर, ठीक है, और गैस थोड़ी सी स्लो कर दो। अब जैसे मेरे को थोड़ा सा डार्क फ्लेवर पसंद है, तो मैं थोड़े से और ब्राउन कर लेता हूँ जिंजर और गार्लिक। मिक्स कर लो इसको अच्छे से, बाउल को पूरा डाल लो, और अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी थोड़ी कम है तो आप अपना जो कर्ड है वो और डाल सकते हो। बस इसे धीरे धीरे मिक्स करो, और उसके बाद अब इसके बाद कुछ ज़्यादा साइंस रह नहीं गई है, बस इतना काम ही था। मिक्स करने के बाद जी इसको आपने एक लिड लेना, अगर आपके पास लिड नहीं है तो प्लेट यूज़ कर लो, स्टील की प्लेट यूज़ कर लो, प्लास्टिक के ना कर लेना। मैंने एक बार प्लास्टिक की कर ली थी तो फिर बेड़ा गर्क हो गया था। एनीवेज रख के इसको छोड़ दो जी 15-20 मिनट के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहना, क्योंकि पेशेंस जिनमें नहीं है वो तो करते रहते हैं मेरे जैसे, तो कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी करछी मार के चेक करते रहना कि सब सेट है कि नहीं। बस इतना का काम ही है जी, चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है एंड दैट्स इट। आफ्टर 15-20 मिनट्स व्हेन यू सी द चिकन इज सॉफ्ट, इट्स रेडी। चिकन को गार्निश कर सकते हैं जी आप कोरिएंडर के साथ, या फिर अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो उससे भी थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल था इस डिश को पकाना, बहुत ही टेस्टी बनी होगी। चलो पहले ट्राई करते हैं कि कैसी है। चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, जूसी है, और जो कर्ड है, काली मिर्च है, उसका सारा टेस्ट आ चुका है। वीडियो बनाई है तो और भी अच्छा बना, क्योंकि बड़ी ध्यान ध्यान से बनाई है, वैसे इतना अच्छा नहीं बनता। वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया, देखो कितना सॉफ्ट है। ऑसम, और कितना सिंपल है बनाना। देखो हमने कितनी चीज़ें यूज़ करी, कुछ प्याज नहीं डाला, नो अनियन, नो यू नो टमाटो, नथिंग, जिंजर गार्लिक कर्ड बटर पेपर, दैट्स इट, बस। तो ये थी जी बहुत ही सिंपल रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है,
क्लिक ऑन इट, बेल बटन पर जरूर क्लिक करो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है यार, मैं ऐसे के और भी तरीके ढूंढता रहूँगा और पोस्ट करता रहूँगा। और अगर आपको कोई कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, करो कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, वहाँ पर मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स डालते रहता हूँ कुकिंग से रिलेटेड, या कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज़ होती है या मेरे अपकमिंग वीडियोज, वीलॉग्स, ट्रैवल प्लान्स, आई शेयर एवरीथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो मी देयर। सो सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग Parul TV.